Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Asif Speak Up. See, students, today I am going to teach you the second lecture of English grammar that is parts of speech. Parts of speech. देअर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट है ना प्रो ना थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव फोर्थ वर्ब फिफ्थ एडवर्ब सिक्सथ प्रीपोजिशन सेवेंथ कंजंक्शन और एट एट एंड लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन आज मुझे कुछ प्रॉब्लम है गले में और इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी और इसीलिए लेट आज कुछ मैं बेस्ट फील कर रहा हूँ इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन देखो फर्स्ट वन इज़ नाउन Non को उर्दू में कहते हैं इसम इसम को नॉन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं देखो ए नाउन इज पर्सन प्लेस और थिंग और क्वालिटी इसमें क्वालिटी भी आती है क्वालिटी नीचे डिस्कस की गई हुई है एग्जांपल्स में इज कॉल्ड नाउन इसकी एग्जांपल्स देख लो तीन चीजें बताई थी मैंने आपको पर्सन प्लेस थिंग और क्वालिटी क्वालिटी भी आती है यहां पर क्यू यू एल आई टी वाईक्वल्टी एग्जाम्पल इसकी देख लो पर्सन में आ जाता है सलमान हीना आमिर और भी बहुत सारे पर्सन है आप लिख सकते हो आम चीज है प्लेसिस में देख लो प्लेसेस में कंट्री है सिटी है इंडिया है और दिल्ली और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जगहों के नाम हैं आप मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज थिंग्स थिंग्स चीजें कौन कौन सी हैं बैलून है बुक है रोज जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये आपके सामने है नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वो आप लिख सकते हैं फीलिंग्स देख लो फीलिंग कौन कौन सी होती है फीलिंग में हैप्पीनेस फीलिंग भी आ सकती है खुशी भी आ सकती है सैडनेस गमी भी आ सकती है और एंगर गुस्सा भी आ सकता है ये फीलिंग्स होती हैं ये फीलिंग्स में हमारी ये लिखी जाती हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रोनाउन देखो सी स्टूडेंट्स प्रोनाउन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनॉन को उर्दू में कहते हैं इसम जमीर इसको हम डिफाइन करेंगे ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन जो जमीर है प्रोनाउन वो लफ्स होता है जो एक नॉन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं एग्जाम्पल देख लो इसकी आई वी यू ही शी इट दे ही हर मी माई यवर अस देअर इट एट्सेट्रा ये हो गए प्रोनाउन्स अब इसकी एग्जाम्पल देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखी है राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज रीडिंग यहां पर जो राम वर्ड है वो प्रो ये नॉन कहलाता है ये मैंने मेंशन किया हुआ नीचे ये नॉन कहलाता है राम और इसकी जगह हमने ही इज रीडिंग राम एक अच्छा लड़का है और वो पढ़ रहा है ये जो वो पढ़ रहा है वो कौन है वो राम ही है इसको हमने एक्सप्रेस किया नीचे और ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन कहलाया यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हम उर्दू में कहते हैं इसम शिफ्त और इसको हम डिफाइन करेंगे एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन नॉन एडजेक्टिव क्या होता है इसम सिफ्त मतलब इसम शिफ्त वो होता है जो हमें नॉन और प्रोनाउन के अलावा और भी कुछ बताए या किसी की अच्छाई और बुराई को बयान करे गुडनेस एंड बैडनेस को बयान करे जैसे हमने नीचे कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं गुड बैड मच लिटल मैनी दिस वट विच रेड एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं ये हमने कुछ लिखे थे आपके सामने नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल रहीम इज ए गुड स्टूडेंट रहीम जो है ये नॉन है ये वार्ड रहीम जो है ये इसको नॉन कहते हैं और इसमें ये जो गुड है ये एडजेक्टिव जाहिर कर रहा है रहीम इज़ ए गुड स्टूडेंट रहीम एक अच्छा तलब इलम है छात्र है इसकी सेकंड एग्जांपल देखो रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर रोज जो वर्ड है ये नॉन कहलाता है और ब्यूटीफुल जो है ब्यूटीफुल क्या है फ्लावर फ्लावर जो है खूबसूरत है और खूबसूरत को हम कहेंगे एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को हम खूबसूरत क्या कहेंगे एडजेक्टिव कहेंगे नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ब वर्ब a word is a word that shows an action. वर्ब वर्ब एन एक्शन क्या होता है वो वर्ड होता है जो कोई काम जाहिर करे या फैक्ट देर आर सम अदर वर्ड्स दैट हेल्प वर्ब्स इन ए सेंटेंस दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स कुछ और अल्फाज होते हैं वर्ब में जो मदद करते हैं सेंटेंस को मुकम्मल करने में सेंटेंस को कंप्लीट करने में वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं एग्जांपल इसके नीचे दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब्स भी बताए हुए हैं इसमें वर्ब कौन कौन से हैं ईट है ड्रिंक है स्लीप प्ले लाफ एटसेट्रा और हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो गए इज आर एम वाज वर, है, वह, हैड एटसेट्रा ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट दैट इज एडवर्ब एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं इसम जर्फ इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एन एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब एडवर्ब को हमने डिफाइन किया आपके सामने कि एडवर्ब इसम वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करें एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी एग्जांपल है लता सिंग स्वीटली ये जो सिंग वर्ड है ये क्या है ये वर्ब है और इसके साथ हमने और एक वर्ड ऐड किया स्वीटली अगर हम लता सिंग्स कहते लता गाती है तो ये सिर्फ वर्ब कहलाता यहां पर सिर्फ वर्ब मेंशन किया नॉन और वर्ब अब इसके साथ हमने स्वीटली एक और वर्ड ऐड किया है तो ये इसकी क्या, क्या क्वालिटी शो कर रहा है ये एडवर्ब शो कर रहा है स्वीटली जिन वर्ड्स के साथ एल वाई लगे ये पहचान लेना आइडेंटिफिकेशन है ये एल वाई एल वाई लगेगा तो वो क्या बन जाएगा वो एडवर्ब बन जाएगा ठीक है लता सिंह स्वीटली इसमें वर्ब सिंग्स है और स्वीटली जो है ये एडवर्ब कहलाता है नेक्स्ट एग्जांपल देखो रोहन रन फास्ट रोहन तेज दौड़ता है इसमें ये जो रन है ये वर्ब है और फास्ट जो है ये एडवर्ब कहलाता है रन फास्ट नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रीपोजिशन अब प्रीपोजिशन को हम डिफाइन करेंगे प्रीपोजिशन को उर्दू में कहते हैं खरूफे जार ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस प्रीपोजिशन वो हरूफ जार वो अल्फाज होता है जिसे हम किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है प्रीपोजिशन कहलाता है प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में बताए हुए हैं देखो ऑन अंडर इन नियर टू अपॉन अबाउट बाई विद फार एटसेट्रा और यह प्रीपोजिशन क्या लाता है इस, इसकी एग्जाम्पल मैंने नहीं यहां पर मैंशन की हुई एग्जाम्पल हम लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल द बुक इज ऑन द टेबल बुक इज ऑन द टेबल ये यहां पर हम मैंशन कर सकते हैं कि किताब टेबल पर है ये जो ऑन वर्ड यहां पर हमने लगाया बुक इज ऑन द टेबल ये क्या कहलाया ये है ये प्रीपोजिशन कह रहा है समझ आ गई सबको स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो हम कंजंक्शन की तरफ चलते हैं कंजंक्शन कंजंक्शन को उर्दू में कहते हैं खरूफ अतफ इसको हम डिफाइन करते हैं ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉन्ट वर्ड्स आर सेंटेंसेस टुगेदर कंजंक्शन जो होता है ये वर्ड्स अल्फाजों को और जुमलों को आपस में मिलाता है एग्जांपल में देखो दिया हुआ एंड बट सो टिल, अनटिल एटसेट्रा ये वर्ड जो लिखे हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं ये कंजंक्शन कहलाते हैं जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिखी है आपके सामने शाम पास बट राम फेल्स ये एक सेंटेंस हमने बनाया है और इसमें कंजंक्शन जॉइन हुआ है बट ये जो बट वर्ड है शाम पास ही शाम पास हो गया है और राम जो है वो फेल हो गया है इसमें जो बट वर्ड है ये क्या कहलाता है बट जो है इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये क्या कहलाता है कंजंक्शन कहलाता है अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरजेक्शन की तरफ लास्ट वन इज इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन को उर्दू में कहते हैं स्टूडेंट्स हरूफ निदा इसको हम डिफाइन करते हैं एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ प्लेयर पेन सरप्राइज और इमोशंस हरूफ निदा क्या होता है इंटरजेक्शन क्या होता है इंटरजेक्शन In वो अल्फाज होते हैं जो क्या एक्सप्रेस करें फीलिंग्स बताएं किसकी प्लेयर की खुशी पेन गमी की सरप्राइज की हैरानगी की और इमोशंस हमें जज्बात आ जाए मतलब तो वो खुरूफ निदा कहलाता है इंटरजेक्शन कहलाता है जैसे एग्ज़ाम्पल में दिए हुए हैं कुछ वर्ड ओ वाओ अलाज हुट्सट्रा इनको हमने यूज़ भी किया है देखो अलाज जो है वर्ड अलाज वी लास्ट द मैच यहाँ पर सैड फीलिंग आ रही है हम मैच हार गए अलाज वी लॉस्ट द मैच अफसोस अलाज का मतलब होता है अफसोस अफसोस हम मैच हार गए यहां पर कौन सी फीलिंग आ रही है यहां पर हमें सैड फीलिंग आ रही है पेन वाली फीलिंग आ रही है नेक्स्ट सेकंड हमने एग्जांपल लिखी है हुर्रा हुर्रा टुमारो इज ए हॉलीडे खुशी से कहते हैं ना बच्चे स्कूल में होते हैं तो जब संडे आता है या कोई हॉलीडे होती है गवर्नमेंट हॉलीडे तो वो बच्चे खुशी मनाते हैं खुशी मनाते हैं कि कल क्या होगी छुट्टी होगी टुमारो इज़ ईजे हॉलीडे तो ये कौन सी फीलिंग ये हैप्पी फीलिंग बता रहा है और ये हमें प्लेयर की फीलिंग बता रहा है यहाँ पर और ये आपके मुकम्मल होते हैं और इसके साथ एक और आपको चीज़ मैं बताता हूँ इंटरजेक्शन के साथ नोट हमने लिखा हुआ नीचे वी यूज एक्सक्लामेशन मार्क विद इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज करते हैं और तब ये कंप्लीट होता है सेंटेंस सो so ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच थे सेकंड लेक्चर आपका कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम आगे पेश करेंगे आपके साथ आज के लिए इतना ही और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ स्पीक अप को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये सब्सक्राइब भी करिए कर और इसको वॉच भी करिए और इसे आपको बहुत सारा बेनिफिट है थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स